प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपको बता दें कि रामपुर में इस वक्त 19.01% वोटिंग हो चुकी है, वहीं खतौली में 33.2% वोटिंग हो चुकी है। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं, रामपुर में 19.01% वोटिंग हो चुकी है, खतौली में 33.2% वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां पर रामपुर में आजम खां के विधायक के जाने के बाद ये उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, वहीं खतौली में भी विधायक के जाने के बाद ये उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आज रामपुर, खतौली और मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक आपको बता दें कि रामपुर में 19.01% वोटिंग हो चुका है, वहीं खतौली में 33.2% वोटिंग हो। रामपुर में DMO SP ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण, रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे DM और SP, रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है मतदान, SP ने कहा। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, DM और SP ने किया निरीक्षण, फर्जी वोट की सूचना मिली थी उस पर कार्यवाही की गई। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि रामपुर में DM और SP ने किया निरीक्षण, हम सभी बूथों का कर रहे हैं निरीक्षण। मतदान हो रहा है, आप देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, लोग अपना आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी धूप निकली है तो लोग आए हैं। शुरू में ठंड बहुत थी, कोहरा था, तो लगा कि कम है, बट अब तो बहुत बढ़िया वोट पड़ रहा है। तो जिस तरह से सर समाजवादी की प्रत्याशी की तरफ से आरोप लगाया था लगातार कि पुलिस दबाव बना रही है, तो उस पर क्या कहते हैं? कोई दबाव नहीं बना रही है, वो अपना कहते रहते हैं। उन्हें कोई अगर उनकी कोई ऐसी शिकायत हो पर्टिकुलर जगह, तो हम जरूर उसका निदान करेंगे। हम लोग तो खुद ही हर जगह देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मान लो हम यहीं खड़े हैं, आई थिंक सबसे बड़ा बूथ है ये, यहाँ है कोई दिक्कत बताओ? इस खबर पर यदि जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ेंगे। तुषार, रामपुर में क्या माहौल है इस वक्त, कितनी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है वहां पर? मैं इस वक्त जो है रामपुर के डिग्री कॉलेज में यहां मौजूद हूं, और यहां पर अभी तक जो है 19.01% यहां पर जो है वोटिंग हो चुकी है। और यहां पर अभी जो है रामपुर DM व रामपुर SP ने यहां पर आके जो निरीक्षण किया था, निरीक्षण करने के बाद वो बोले कि यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये मतदान हो रहा है, किसी प्रकार की मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और किसी की भी अगर कोई दिक्कत होगी तो वो हमारे पास आए, हम उसकी समस्या का जो समाधान करेंगे। तो वही दूसरी ओर अगर सपा प्रत्याशी आसिम रजक की बात की जाए, तो उनका ये आरोप है कि जो है यहाँ जो है मतलब पुलिस की जो है मतलब सही से मतलब चुनाव जो है नहीं करवा रही है। तो वही अगर पुलिस अधीक्षक की अगर माने, तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके जो चुनाव हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने जो है हमको कर बताया कि जो यहाँ पर जो दो महिलाएं मिली थी जो फर्जी वोटों के साथ मिली थी, तो उनके ऊपर जो है तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई की गई। जी तुषार, जनता में किस तरह का माहौल देखने को मिला है वहां पर? अभी शाम तक वहां पर वोटिंग जारी रहेगी। देखिए, अगर जनता की बात की जाए, तो जनता के जो है वही मुद्दे रहेंगे कि जो है हम जो मतलब यहाँ पर जो है वो विकास होना चाहिए, विकास और रोजगार जो है मुख्य यहाँ पर जो है ये एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि हम जो यहाँ पे जो अब जो मतलब वोटिंग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ विकास और जो है रोजगार को लेकर हम जो है यहाँ मतलब वोटिंग करेंगे। तो उसी के उद्देश्य से जो है लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और लगातार जो है अपनी वोटिंग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जो है पुलिस जो है यहाँ पर जो चप्पे चप्पे पर जो है मतलब तैनात है। जी तुषार, बात करें आरोप प्रत्यारोप का, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पार्टी पर लग रही है। आजम खान ने भी आरोप लगाया है, उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस बर्बरता कर रही है, वहाँ चुनाव नहीं मजाक हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप सही बोल रहे हैं कि राज जो है आजम खान की जो पत्नी है तंजीन फातिमा आजम खान, और अभी अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट भी करके मतलब ये चीज बोली थी, क्या नाम है, कि रामपुर में जो है निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन भाई अगर यहाँ की बात की जाए, तो रामपुर के जो पुलिस अधीक्षक है, जो DM है, उनका मतलब ये कहना है कि यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव हो रहा है, लगातार लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और जो है मतदान अपने मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त भी हम जो है यहाँ पर मौजूद है, जो आजम खान का यहाँ बूथ कहलाता है, रजत डिग्री कॉलेज है यहाँ पर, यहाँ पे आजम खान जो है आते हैं और अपना जो है मत का प्रयोग करते हैं। जी जिस तरीके से अभी आपने बताया कि और SP और DM वहां पर पहुंचे थे औचक निरीक्षण करके, उन्होंने बताया कि फर्जी वोटों पर कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, रामपुर के जो है, खैर ये सूत्रों के द्वारा से मतलब ये खबर
है मतलब ये मिली थी कि रामपुर के जो है मतलब ये जौहर नगर एरिया में वहां पर जो है मतलब ये दो महिलाएं जो है संदिग्ध मतलब परिस्थितियों में मतलब मिली थी वहां पर फर्जी वोटों के साथ। तो जब पुलिस ने जब उन पर जब उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए तो उन पर जो है उचित मतलब कार्रवाई भी मतलब की गई है और आगे की जो मतलब कार्रवाई है वो पूरी लगातार कर रही है। जो भी यहाँ पर कह रहे वोटर आ रहे हैं उनकी आईडी के साथ उनकी चेकिंग करने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो है मतलब उनको अंदर भेज रहे हैं और अपने मत का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। जी तुषार, देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अपने जीत की दावेदारी कर रही हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो। जी बिल्कुल, अगर अगर ऐसी बात किया तो जो है दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप में बहुत जो है मतलब बहुत पुराने यहाँ के मतलब वो रह चुके हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सपा के जो प्रत्याशी आज से मतलब वो भी यहाँ से मतलब बहुत करीबी माने जाते हैं, पिछले 40 से 50 सालों का उनका साथ है और वो लगातार रामपुर के रामपुर में रह चुके हैं। रामपुर के और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो भाजपा के जो प्रत्याशी आकाश सक्सेना वो भी जो है मतलब बहुत पुराने यहाँ से जो है मतलब रह चुके हैं, उसके साथ ही जो उनको जो कहीं ना कहीं समर्थन जो मिलता है जो भाजपा प्रत्याशी के जो प्रत्याशी है शिवराज सक्सेना वो यहाँ से जो है पूर्व मंत्री मतलब यहाँ से रह चुके हैं, पूर्व विधायक वो यहाँ से रह चुके हैं, इसीलिए उनको भी कहीं ना कहीं जो है उस चीज का भी जो समर्थन मिलता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। जी तो शार, अगर जनता की बात करें तो जनता में क्या माहौल देखने को मिला आज वहां पर उपचुनाव को लेकर, किस तरफ उनका रुझान देखने को मिला है? अभी हम कह तो नहीं सकते लेकिन क्या वहां पर माहौल दिखा है वहां पर आज? देखिए माहौल की बात करें तो जनता जो है यहां से निकल के आ रही है, अपने घर से जो है लगातार निकल रहे हैं और जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर जो प्रशासन ने जो है जो हैंडीकैप लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं जो मतलब चल नहीं सकते हैं या उन्हें किसी प्रकार की समस्या है उस चीज के लिए रामपुर प्रशासन ने यहाँ पर ई रिक्शा का जो यहाँ पे व्यवस्था मतलब करवा रखी है कि वो ई रिक्शा जो है उनके घर तक पहुँचते हैं, घर तक पहुंचने के बाद और वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से मतलब अपने मत का जो मतलब प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उनको वापिस जो है अपने घर तक सही सलामत जो है छोड़ के आते हैं। जी तो लगातार अगर देखा जाए तो जो है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तुषार, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए बहुत ही ज्यादा एक चुनौतीपूर्ण मत आज का उनका उपचुनाव रहेगा, और वहीं बात करें बीजेपी की तो वो भी जीत की दावेदारी कर रही है यहाँ से। जी बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव है बहुत चैलेंजिंग वाला चुनाव माना जा रहा है अपने आप में, क्योंकि देखिए सपा के जो नेता है आजम खान वो यहाँ से 10 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनको जो है अपनी सीट यहाँ से बचाना की बार कहीं ना कहीं मुश्किल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं भाजपा सक्सेना भाजपा के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना वो भी लगातार जो है अपने दमखल के साथ मतलब यहाँ पर लगे हुए थे, यहाँ पर जो है दोनों जो है डिप्टी सीएम भी रामपुर आ चुके थे, उसके साथ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे रामपुर के अजीतपुर स्थित एक जो ग्राउंड है वहां पर उन्होंने जो है अपनी एक विशाल जनसभा को जो उन्होंने क्या संबोधित किया था, और लगातार जो है आजम खान पर उन्होंने जो है तंज कसते हुए रामपुर के लोगों से भाजपा के जो प्रत्याशी आकाश सक्सेना उनके लिए वोटों की अपील की थी। वही अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो भाजपा के जो वो थे उम्मीदवार वो थे घनश्याम सिंह लोधी, तो उनके लिए जो रामपुर की जनता ने जो प्यार दिखाया उनको जिताया तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर आके रामपुर जनता का धन्यवाद भी किया था, और इसीलिए उन्होंने जो है दोबारा मतलब ये अपील की थी कि जो आपकी जिस तरीके से आपने मुझे लोकसभा में प्यार दिखाया उस तरीके से जो है विधानसभा में भी जो है मतलब आपको प्यार दिखाना है और यहाँ से जो भाजपा की सीट को निकालना है। जी जी तुषार, अभी वोटिंग जारी रहेगी लगातार, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सपा का डेलीगेशन पहुंचा निर्वाचन आयोग, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि सपा का डेलीगेशन पहुंचा निर्वाचन आयोग, उपचुनाव में गड़बड़ी को लेकर पहुंचा सपा डेलीगेशन। सपा का डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास पहुंचा है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बलों की तैनाती, निर्वाचन आयोग पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बलों की तैनाती की गई, लगभग 25 विधायक पहले से निर्वाचन आयोग कार्यालय पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग के पास, सपा नेता मनोज पांडे के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें रविदास मल्होत्रा राजेंद्र चौधरी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद है। आपको बता दें कि सपा डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग के पास, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा का डेलीगेशन पहुंचा निर्वाचन आयोग, उपचुनाव में गड़बड़ी को लेकर पहुंचा सपा डेलीगेशन। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, निर्वाचन आयोग पर
जहां सपा डेलीगेशन पहुंचे निर्वाचन आयोग के पास, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदनी, जो है आज जो है तीनों सीटों पे बाई इलेक्शन की वोटिंग जारी हो चुकी है और सुबह से ही जो है ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायत समाजवादी पार्टी जो है वो करती रही है। इसको लेके जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लगातार एक हफ्ते से लखनऊ के निर्वाचन आयोग तक पहुंच रहा है, अपनी शिकायत दे रहा है, ज्ञापन भी दे रहा है। वही देखा जाए तो वहां के करीब 25-30 विधायकों के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुख्य सचेतक मंगल पांडे के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग को शिकायत रखी। ये भी बताया कि कहां-कहां कार्यकर्ताओं के साथ दूर व्यवस्था की जा रही है, उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पोलिंग जो एजेंट उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है। और रविदास मल्होत्रा ने आपको बातचीत में बताया कि मैनपुरी को जेलों में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने सीधा आरोप जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे लगाया कि उनके इशारे पे ये सारी चीजें हो रही हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला प्रशासन जब वो तक जो अपनी बात पहुंचा रहे थे तो जिला प्रशासन कार्यकर्ताओं को धमका रहा है, सपा नेताओं को धमका रहा है कि एक दो सीटों से स्थिति बदलने वाली नहीं है और चुनाव के बाद जो है इतने आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इतने केसेस लगा दिया जाएंगे कि आपकी आप जो है संभाल नहीं पाएंगे। तो इस तरह का बड़ा आरोप जो है रविदास मल्होत्रा ने लगाया है जिला प्रशासन से मैनपुरी रामपुर के और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी एक बड़ा आरोप लगाया कि उनके निर्देश में सब हो रहा है। विवेक, देखा जाए जिस तरीके से सुबह से ये सपा आरोप लगाती जा रही है, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है? देखिए कई तरह से विजुअल जो है सामने भी आ रहा है और शिवपाल यादव, रामकृपाल यादव, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने वोट करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो इतने बड़े बड़े नेता अगर किसी बात को कह रहे हैं, एक हफ्ते से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में, आज लगातार एक हफ्ते से डेलीगेशन निर्वाचन आयोग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज की संभावना जताई जा सकती है। जमीनी हकीकत क्या है गौर करने से पहले हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी संभावना बिल्कुल जताई जा सकती है, चाहे वो रामपुर का मामला हो। रामपुर के ईवीएम में काफी गड़बड़ियां मिली जिससे और वो 30% जो है बाकी खतौली और मैनपुरी से कम रहा। उधर खतौली में भी कुछ ईवीएम में गड़बड़ियां मिली है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव ने तमाम आरोप जो है प्रशासन पे लगाया कि प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि जो उनके वोटर है उनको गुमराह कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। औरैया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, आपको बता दें खबर औरैया से है जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, शिकायत के बाद भी विद्युत पोल को नहीं किया गया दुरुस्त। खबर औरैया से है जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, चलते विद्युत सप्लाई में पोल मकान पर गिरा। आपको बता दें कि खबर औरैया से है जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, शिकायत करने पर लोगों से जेई ने की अभद्रता। खबर औरैया से है जहां बिजली विभाग की जेई पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का लगा आरोप। खबर औरैया से है जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, वहीं जेई की कार्यशैली से लोगों में दिखा आक्रोश। शिकायत करने पर जेई में दिखा आक्रोश, वहीं जेई के रूह व्यवहार से लोगों में दिखा आक्रोश। सतेश्वर मोहाल तिलक स्टेडियम के पास का है पूरा मामला। औरैया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, खबर औरैया से है जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, शिकायत के बाद भी विद्युत पोल को नहीं किया गया दुरुस्त।